नमस्कार। उत्तराखंड एक्सप्रेस के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर 1 अक्टूबर 1994 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा कांड में 30 साल बाद फैसला आया है। मामले में दो आरोपियों मिलाप सिंह और वीरेंद्र प्रताप को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, साथ ही दोनों पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। दोनों ही जवान पीएसी की 41वीं वाहिनी में तैनात थे। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर की रात में अलग उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर आंदोलनकारी दिल्ली के लिए जा रहे थे। रात में इन आंदोलनकारियों पर फायरिंग की गई थी, जिसमें 7 आंदोलनकारी शहीद हुए थे। वहीं कई महिलाओं के साथ रेप करने का भी आरोप लगा था। राज्य आंदोलन के दौरान हुए चर्चित रामपुर तिराहा कांड में पीएसी के 2 सिपाहियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लंबे समय से न्याय का इंतजार हो रहा था, अब पीड़ितों और उनके परिवारजनों को अदालत के निर्णय से बड़ी राहत मिली है। सीएम धामी ने कहा कि मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर आंदोलन के दौरान हमारे नौजवानों माताओं बहनों के साथ क्रूरतापूर्ण बर्ताव किया गया, जिसमें कई आंदोलनकारियों की शहादत हुई। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि आंदोलनकारियों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करना सरकार की प्राथमिकता और कर्तव्य। रामपुर तिराहा कांड में दुष्कर्म के दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। पीएसी से रिटायर्ड सिपाही मिलाप सिंह और वीरेंद्र प्रताप पर महिलाओं से अश्लील छेड़छाड़ और रेप की धारा में 15 गवाह कोर्ट के समक्ष पेश किए गए। इसमें कोर्ट ने दोनों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस निर्णय को आंदोलनकारी एक छोटी सी राहत बता रहे हैं। आंदोलन से जुड़ी महिलाओं का कहना है कि निर्णय का स्वागत करते हैं, लेकिन दोषियों को मौत की सजा होनी चाहिए थी। तो पहले तो मैं अपने माननीय न्यायाधीश शक्ति सिंह जी को सैल्यूट करूंगी कि वो पीठासीन अधिकारी हैं और उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय दिया है, और जो भी निर्णय उन्होंने दिया है वो सर आंखों पर सर माथे पे है, क्योंकि जज को बहुत अच्छे तरीके से उसमें जब वो लोग उसको देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तो तभी जाकर के एक निर्णय भी अच्छा हो सकता है। और जजमेंट में उनको आजीवन कारावास हुई है। ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए, नंबर एक। और ये लगभग इतने सालों बाद ये जजमेंट आया, तो उससे लोगों को इसलिए भी थोड़ा सा राहत नहीं हो पा रही है कि ये पहले क्यों नहीं आया। उत्तराखंड के लिए सोमवार का दिन सियासत से भरा हुआ रहा। दिल्ली में कल बीजेपी ज्वाइन करने वाले कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी आज देहरादून पहुंचे और कहा कि वो पीएम मोदी की सोच से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो दूसरी ओर बीजेपी के पौड़ी गढ़वाल के प्रत्याशी अनिल बलूनी ने आज से प्रचार अभियान की शुरुआत की है और कोटद्वार में एक जोरदार रोड शो किया, जिसमें कई बीजेपी के बड़े नेता भी शामिल हुए। पौड़ी गढ़वाल सीट से बीजेपी के प्रत्याशी अनिल बलूनी ने आज से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत की है। कोटद्वार में अनिल बलूनी ने एक जोरदार रोड शो किया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कोटद्वार से विधायक ऋतु खंडूरी समेत कई नेता शामिल हुए। अनिल बलूनी का रोड शो कौड़िया चेकपोस्ट से झंडा चौक तक चला। रोड शो में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी शामिल हुए। अनिल बलूनी ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि विपक्ष को भी पता है कि एनडीए 400 पार सीट जीतने जा रही है और उत्तराखंड में सभी 5 सीटें बीजेपी जीतेगी। देखिए, जिस तरह से पूरे देश में माहौल है और उत्तराखंड के अंदर भी वो माहौल है, ऐसे लगता है कि देश में 400 पार और उत्तराखंड के अंदर 5 सीटें बहुत बड़े बहुमत के साथ, बहुत बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। सर, जिस तरह का माहौल है, क्या लगता है, क्या कुछ देखते हैं? देखिए, अब चर्चा ये हो रही है कि कितने वोट से जीतेंगे, इस पे चर्चा सब तरफ है। विपक्ष मान रहा है, विपक्ष भी ये कहता है कि 400 पार नहीं होगा, कोई बहुमत की बात नहीं करता। उनके भी मन में स्पष्टता है कि बहुत बड़े बहुमत से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जीत रही है, उत्तराखंड के अंदर भी जीत रही है। वही रोड शो के बाद अनिल बलूनी ने एक सभा को भी संबोधित किया और कहा कि कोटद्वार मेरे लिए कुछ नया नहीं है,
यहां मेरा बहुत समय बीता है, मुझे भाषण देने का शौक नहीं है बल्कि काम करने का शौक है। कोटद्वार मेरे लिए कोई नया नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। कोटद्वार में मेरा बहुत समय बीता है, मैं बहुत लंबा सब आप जानते हैं, बहुत लंबा भी नहीं बोलता हूं। मुझे पता है जितनी माताएं बहनें बैठी हैं सबको घर जाकर खाना बनाना है, इसलिए मैं 5 मिनट से ज्यादा बोलूंगा नहीं। आप सब जानते मैं भाषण देने का शौकीन नहीं, मुझे काम करने का शौक है और किसी तरीके से विकास करने का शौक है। राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी पर कहा कि मोदी जी की टीम के भिन्न भिन्न सिपाही अलग अलग कामों में लगे हैं। अनिल बलूनी प्रचार से जुड़े विभाग में पार्श्व में रहकर काम करते रहे हैं, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी कहा कि मैं हमेशा उनसे कहता हूं कि आप तो दिल्ली में रहते हैं लेकिन आपका दिल पहाड़ में ही रहता है। हमारे वर्तमान मीडिया के जो विभागाध्यक्ष हैं अनिल बलूनी जी, प्रचार से जुड़े हुए विभाग में पार्श्व में रहकर धरातल पर मजबूती के साथ पार्टी को मजबूती देने के लिए जो काम किया जा सकता है, ये एक अद्भुत उन्होंने उदाहरण दिया है जो मैंने पिछले इतने लंबे समय में ऐसा कम देखा। सामान्यतः व्यक्ति आता है प्रचार में, वो प्रचार करने में ज्यादा आ जाता है, परंतु एक एक चीज माइन्यूट देखना कि प्रधानमंत्री जी का विषय, पार्टी का विषय, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विषय, गृहमंत्री जी का विषय, अन्य अन्य विषयों को बहुत ये प्रेज वर्दी है। मगर मैं कह सकता हूं कि टीम का हर व्यक्ति उस ढंग से काम करा, मगर एक चीज उनके साथ ये भी रहती, कभी कभी मैं कहता हूं भाई रहते दिल्ली में हो, दिल क्यों पहाड़ में लगा रहता है। तो हर व्यक्ति का अपना एक दिली लगाव भी होता है, तो दिल चाहे जहां भी रहे, मगर उन्होंने मीडिया में जो काम किया ये एक उदाहरण है। राजेंद्र भंडारी रविवार को बीजेपी में शामिल हो गए, वहीं कांग्रेस छोड़ने पर राजेंद्र भंडारी ने कहा कि वो पीएम मोदी की सोच से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। भंडारी ने कहा कि पीएम मोदी को देश के विकास की चिंता है और इसी को लेकर वो काम करते हैं। वहीं भंडारी ने यह भी कहा कि वो पीएम मोदी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। सही है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। पहले किसी और विचारधारा के रहते हैं, फिर किसी और विचारधारा में जाना पड़ता है, एडजस्ट करने में टाइम लगता है। आपका मन कुछ संशय में था कि जाऊं ना जाऊं? तो मन तो बनाना पड़ता है ना, जब आदमी इतना बड़ा निर्णय लेगा एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाने का, तो निर्णय लेने में तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है और बड़ी सोच करके आदमी निर्णय लेता है। तो मैंने बहुत कुछ सोच करके ये निर्णय लिया है और आज पार्टी में सम्मिलित हुआ हूं। कितना टाइम बीता सर इस वाफो में कि मैं ज्वाइन करूं ना करूं? काफी 10-15 दिनों से ये स्थिति चल रही थी कि जाऊं ना जाऊं, क्या करूं कैसा करूं, परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारों से और प्रगति से और उनकी जो राष्ट्र के प्रति जो सोच है उसी से प्रभावित होकर के मैंने अंतिम में निर्णय किया कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जाऊंगा। कांग्रेस छोड़कर आने वालों के लिए वोटिंग से एक दिन पहले तक दरवाजे खुले रहेंगे। अगले 2-3 दिन में बीजेपी कुछ और नेताओं को शामिल करने की तैयारी में है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि दागी बागी और आरोपी अपने दाग धुलने बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जा रहे हैं। बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी के बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। एक दिन पहले तक राजेंद्र भंडारी कांग्रेस का गुणगान कर रहे थे, अगले दिन उसी ड्रेस में बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किरण महारा ने कहा है कि यह कमाल बीजेपी के वॉशिंग मशीन मॉडल का है, इसमें दागी बागी और आरोपियों के दाग धुल जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें कोई हैरानी नहीं होगी कि ईडी की जांच झेल रहे नेता भी बीजेपी में शामिल होते दिखे। वहीं खबर है कि अरग सिंह रावत, बहू अनुकृति रावत और लक्ष्मी राणा बीजेपी के संपर्क में हैं। लेकिन इस समय जो लोग जा रहे हैं वो डर से जा रहे हैं या लालच से जा रहे हैं, और बीजेपी के अध्यक्ष लगातार लालच दे रहे हैं। ज्यादातर लोग देखिए जो ज्वाइन किए हैं उनके ऊपर किसी न किसी तरीके का मुकदमा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करवाया हुआ है प्रशासन से, और वही लोग जा रहे हैं वॉशिंग मशीन में जाके धुल के बाहर आना चाहते हैं। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी दबाव बनाकर और डर दिखाकर नेताओं को तोड़ रही है, लेकिन बीजेपी आरोपों को सिरे से नकार रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक वोटिंग से एक दिन पहले तक सबके लिए दरवाजे खुले हैं।
डराने धमकाने का भी आरोप कांग्रेस लगा रही है कि जिन लोगों पे कोई केस चल रहा है वो इसलिए छोड़ के जा रहा है, कोई केस से प्रेशर में। राजेंद्र भंडारी के बारे में कि उनकी पत्नी जिला पंचायत रही, तमाम केसेस है, इस दबाव में यहाँ है। कोई दबाव हम डालते नहीं है, जो न्यायालय का विषय होता है, कोर्ट का विषय, अपने हिसाब से काम करते हैं, उसमें कोई विषय नहीं है। एक महीने बाद तो चुनाव होना है, अब कितने दिन में आप ये सब पूरी तोड़फोड़? मतदान से एक दिन पहले तक, पोलिंग से एक दिन पहले तक जितने आएंगे सबको लेंगे। कांग्रेस चाहे जो कहे पर बीजेपी का 400 पार का टारगेट क्लियर है और इसके लिए बीजेपी कांग्रेस के बूथ के नेता से लेकर विधायक तक को साथ जोड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। न्यूज 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। चमोली में राजेंद्र सिंह भंडारी के बीजेपी में जाने के बाद कार्यकर्ताओं में नाराजगी दिखाई दे रही है। दिनभर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने चिंतन मंथन किया, मीडिया से दूरी बनाकर रखी और उसके बाद एकजुट होने का दिलासा देते नजर आए। सत्रह मार्च को राजेंद्र भंडारी बीजेपी में शामिल हुए, उसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में नाराजगी दिख रही है। नाराज कार्यकर्ता ने जिला मुख्यालय गोपेश्वर में राजेंद्र सिंह भंडारी का पोस्टर फाड़ दिया और कई बैनर से राजेंद्र भंडारी की फोटो हटाई। नहीं, जब परिवार का कोई मुखिया या कोई भी नेता बड़ा नेता जाता है तो दुख तो होता है, और साथ ही बड़े नेता से हमारे बहुत दूर का एक कार्यकर्ता भी जाता है उसका भी पार्टी को नुकसान होता है। बड़े नेता जाने का नुकसान तो होता ही होता है। कार्यकर्ताओं को पता ही नहीं चला जिस प्रकार से मोदी सरकार ईडी और सीबीआई का डर दिखा रही है, मुझे लगता है कुछ ना कुछ इसी का अंश उन पे कम से कम साल भर से ये दबाव बनाया जा रहा था। और नेता तो आदमी है ना, अगर आदमी को इतना परेशान किया जाएगा तो आदमी क्या करेगा। अपने बचाव में कुछ ना कुछ कदम लिया गया है, फिर भी चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी एक साथ खड़ी है। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को देखकर दूसरे पार्टी के लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं की संख्या से बीजेपी में भी मंथन जरूर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी में लगातार जो विस्तार परिवार जो हमारा बढ़ रहा है उससे निसंदेह आने वाले लोकसभा चुनाव में हम सब लोगों को ताकत मिलेगी और हम सब लोग एकजुट होकर के पार्टी के पक्ष में कार्य करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता राजेंद्र सिंह भंडारी के फैसले से असमंजस की स्थिति में जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हर कोई ऑल इज वेल कह रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या राजेंद्र सिंह भंडारी के समर्थक भी बीजेपी का दामन थामते हैं। चमोली से न्यूज 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। क्या गढ़वाल की ही तरह कुमाऊं में भी कांग्रेस में कोई बड़ी तोड़फोड़ होने वाली है? आखिर क्यों उठने लगा ये सवाल, आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। पिछले एक हफ्ते में गढ़वाल के कई कांग्रेस नेता हाथ का साथ छोड़कर बीजेपी का कमल थाम चुके हैं, जिसमें बद्रीनाथ सीट से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी जैसा चेहरा भी शामिल है। लेकिन गढ़वाल में बीजेपी की इस एयर स्ट्राइक से कुमाऊं में भी हलचल है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी का अगला लक्ष्य कुमाऊं है और अगले एक हफ्ते में बीजेपी इस स्ट्राइक को अंजाम दे सकती है। बीजेपी नेता भी बातों बातों में इस ओर इशारा कर रहे हैं। जो नरेंद्र मोदी जी के कार्यों से खुश हैं, यद्यपि वो अभी कांग्रेस में हैं, लेकिन छलांग लगा लगा के वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, क्योंकि डूबते हुए जहाज पर कोई बैठना नहीं चाहता है। दरअसल साल 2022 के चुनाव में कांग्रेस नैनीताल लोकसभा सीट की 14 में से 6 विधानसभा सीट जीतने में कामयाब रही थी। ऐसे में बीजेपी की कोशिश इन्हीं विधायकों पर डोरा डालने की है। हालांकि कांग्रेस के विधायक बीजेपी की रणनीति को उसका माया जाल करार दे रहे हैं। भाजपा जो है इस समय माया जाल फैलाकर बैठी हुई है, ठीक है, उनकी माया का जो एक जाल बना हुआ है, उनकी चुनावी एक मशीन है, उसकी हमें गुणवत्ता पता है, लेकिन जमीनी तौर पर धरातल पर लोग परेशान है। इस परेशानी की आवाज बनकर कांग्रेस आगे आई। सीमांत पिथौरागढ़ से लेकर उधम सिंह नगर तक कांग्रेस के 11 विधायक हैं। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कांग्रेस के कुछ विधायक पार्टी संगठन से नाराज चल रहे हैं और कुछ अपना नया राजनीतिक भविष्य तलाश रहे हैं। ऐसे में नेताओं की एक्टिविटी पर सबकी निगाहें हैं। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर देहरादून बीजेपी ऑफिस में मीटिंग हो रही है, जिसमें लोकसभा के उम्मीदवारों के नामांकन से लेकर रैली के रोड मैप पर चर्चा हो रही है।
बैठक में उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी दुष्यंत गौतम, सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद हैं। वहीं बैठक में लोकसभा सीट के उम्मीदवार भी मौजूद हैं। कांग्रेस अभी हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा सीट पर अभी तक उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है। मंगलवार शाम 4 बजे दिल्ली में कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी। वहां सीसी मेंबर प्रीतम सिंह का कहना है कि कल मीटिंग के बाद दोनों सीटों पर नाम का ऐलान हो जाएगा। कल 19 तारीख को 4:30 बजे जो है सीसी की बैठक है और सीसी की उस बैठक में जो दोनों सीटें हैं, चाहे हरिद्वार की हैं चाहे नैनीताल की, दोनों पर जो है कांग्रेस प्रत्याशी घोषित करने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रबंधन की अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। देहरादून में प्रदेश कार्यालय से हटकर अलग से स्टेट लेवल मीडिया सेंटर बनाया गया है। मंगलवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इसका उद्घाटन करेंगे। इस मीडिया सेंटर के जरिए बीजेपी प्रदेश भर में चुनावी मॉनिटरिंग करेगी। को लेकर के जो जो भी मीडिया से संदर्भित गतिविधियां होंगी वो इस कार्यालय से ही संचालित की जाएंगी और पूरे प्रदेश भर में विधानसभा स्तर तक जो हमारे मीडिया के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, लोकसभा मीडिया प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, जिले के हमारे पहले से ही जिला मीडिया प्रभारी बनाए गए हैं, उन सभी की जो मीडिया से संदर्भित जो भी हमारी गतिविधियां होंगी और मॉनिटरिंग होगी उसको सब यहीं से संचालित किया जाएगा और साथ ही हमारी पार्टी की लाइन क्या किस एंगल पर रहेगी उसको लेकर के भी सब यहां से दिशा निर्देश जारी होते रहेंगे। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बड़ा कदम उठाते हुए 6 राज्यों में गृह सचिवों को पद से हटाने का आदेश जारी किया है। ये सभी अधिकारी अब लोकसभा चुनाव की पूरी प्रक्रिया से दूर रहेंगे। गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गृह सचिवों को पद से हटाने का आदेश जारी किया है। उत्तराखंड के गृह सचिव शैलेश बगोली को भी उनके पद से हटा दिया गया है। निर्वाचन आयोग ने यह फैसला अधिकारियों के पास मुख्यमंत्री कार्यालय में दोहरे प्रभार होने के चलते लिया है। और आइए अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। पहाड़ टॉप 10। काशीपुर की हनुमान कॉलोनी में एक शख्स ने अपनी 5 साल की बेटी के सिर पर किसी भारी चीज से हमला कर दिया जिससे मासूम की मौत हो गई। टिहरी में नेपाली मजदूर की हत्या मामले में पुलिस जांच कर रही है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। पार्किंग निर्माण के काम में लगे मजदूर की उसकी साथी ने हत्या की थी। उत्तरकाशी में पुलिस ने गाड़ी से 25 पेटी अवैध शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। बागेश्वर में पुलिस और एसएसपी ने क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकालकर मतदाताओं को जागरूक किया। इस दौरान लोगों को निर्भीक होकर वोटिंग की अपील भी की गई। हरिद्वार में प्रशासन चुनावी आचार संहिता लागू होने के बाद राजनीतिक बैनर और होर्डिंग हटाने में जुटा हुआ है। 48 घंटे के अंदर करीब 10,000 बैनर होर्डिंग हटाए गए। प्रयाग में प्रशासन ने लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। इसको लेकर मीटिंग की गई, इसमें ईवीएम और वीपी पैट का प्रशिक्षण दिया गया। हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज में इन दिनों लोकसभा की चुनावी तैयारियां जोरों पर हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने इन तैयारियों का जायजा लिया। लोकसभा चुनावों को लेकर पिथौरागढ़ प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव के लिए फोर्स जिले में आ गई है। इसके अलावा पोलिंग पार्टियां भी बना ली गई हैं। रुद्रप्रयाग में लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग बारीकी से हर तैयारी कर रहा है। चुनाव में उम्मीदवार द्वारा जितना खर्चा किया जाएगा उस पर भी निगरानी रहेगी। बागेश्वर के बीडी पांडे कैंपस में होली मिलन कार्यक्रम किया गया जिसमें छात्र छात्राओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और जमकर डांस भी किया। लोकसभा चुनाव से पहले पुलिस ने करीब 7 करोड़ रुपए अलग अलग जिलों से जब्त किए हैं।
वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर 210 फ्लाइंग स्क्वाड टीमों की नजर रहेगी। यह फ्लाइंग स्क्वाड चुनाव के दौरान बंटने वाली शराब, पैसों के साथ दूसरे अनैतिक गतिविधियों पर नजर रखेगी। इस समय हर फ्लाइंग स्क्वाड में एक दरोगा के साथ 4 कांस्टेबल और पीआरडी के जवान, होमगार्ड के जवान तैनात रहेंगे, जो 24 घंटे हर इलाके में नजर रखेंगे। फ्लाइंग स्क्वाड इसमें एक सब इंस्पेक्टर या उसको एएसआई, सीनियर एएसआई, उसके साथ में 4 अन्य पुलिसकर्मी रहेंगे और ये इन लोगों का काम रहेगा। ये जो हमारे 70 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, इसमें 3 के प्रति, मतलब 210 के आसपास फ्लाइंग स्क्वाड हम लगाएंगे, जो राउंड द क्लॉक कार्य करते रहेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए नैनीताल जिले ने स्पेशल फोर्स की मांग भेजी है। आखिर क्यों जिला निर्वाचन अधिकारी ने मांग की है अतिरिक्त फोर्स, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। आठ फरवरी को हुए हल्द्वानी के पुर कांड का असर अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में दिखने लगा है। इस कांड के बाद चुनाव संवेदनशील हो चुका है। हालात ऐसे ही कि संवेदनशील बूथों की संख्या में भी इजाफा हो गया है। लगभग 250 से ज्यादा अभी तक वल्नरेबल बूथ हम लोगों ने आइडेंटिफाई करे हैं जनपद में, अलग अलग विधानसभाओं में। पिछली बार की अपेक्षा हल्द्वानी विधानसभा में लॉ एंड ऑर्डर और अन्य घटनाओं को देखते हुए ये संख्या बढ़ रही है। इसमें जो मेजर्स हैं इसको वल्नरेबिलिटी को कम करने के, वो लगातार लिए जा रहे हैं। जाहिर है नैनीताल जिले में पोलिंग के लिए 1100 से ज्यादा बूथ बनाए गए, जिसमें से 200 से ज्यादा ऐसे बूथ हैं जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस की मौजूदगी अधिक रहेगी, यानी इन बूथों पर संगीनों के साए में वोटिंग होगी। यही नहीं, सुरक्षा बलों ने अभी से अपना काम भी शुरू कर दिया है ताकि चुनाव बिना किसी बवाल के हो सके। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। उत्तरकाशी मुख्यालय में लगे मुखेम रेंज के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है, जिससे नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के पास के जंगल धू धू कर जल रहे हैं। तस्वीर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह भीषण आग जंगल में लगी हुई है। हालांकि वरे पाक की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है, लेकिन आग इतनी विकराल लगी हुई है कि वरे पाक की टीम को भी सफलता नहीं मिल पा रही है। तो याप और निम के पास जंगल भी जल रहे हैं। मुखेम रेंज के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। वरे पाक की टीम मौके पर आग बुझाने में जुटी हुई है। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।